प्यारे बच्चों, मिट्टी के प्रकार का टॉपिक चल रहा था जिसे दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया था। पहला, सॉइल पार्टिकल के आधार पर मिट्टियों के जो प्रकार है वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, मिट्टी की उत्पत्ति, उसके कलर, उसकी लोकेशन, उसके कॉम्पोजिशन के आधार पर जो प्रकार हैं, जो बंटवारा है वो हम पढ़ने वाले हैं। ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिए, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसने भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का स्टडी की, तो मिट्टियों के कलर, उसके कॉम्पोजिशन, लोकेशन, उत्पत्ति के आधार पर 8 भागों में इसने बांटा है। कौन कौन से? पहले है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, दूसरी है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, तीसरी है लाल या एंड पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल, चौथी है लेटराइट मिट्टी, पांचवी है शुष्क मिट्टी जिसे एरिड या डिजर्ट सॉइल कह देते हैं, और छठी है लवणीय मिट्टी जिसे सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल कह देते हैं, और सातवीं है पर्वतीय और वन मिट्टी जिसे माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल कह देते हैं, और आठवीं है पीट या दलदली मिट्टी। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल। इसके अंदर लगभग 40% सैंड होता है, 40% क्ले के पार्टिकल होते हैं, 20% सिल्ट के पार्टिकल होते हैं। तो इससे पहले आपने जो लोमी मिट्टी पढ़ा था ना, तो ये उसी कैटेगरी में आ जाती है इसके पार्टिकल के आधार पर। और भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी ही मानी जाती है, और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में, लगभग भारत के 43% क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 6 से क्लास 12th जो NCERT समरी कोर्स है वो श्री अड्डा एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन कोर्स है ये, जो आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगा। ये सभी क्लासें पूरी एनिमेशन की सहायता से होंगी, तो सब कुछ आप बारीकी से समझ सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं किस क्षेत्र में ये पाई जाती है, तो पंजाब से लेकर आसाम तक, जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान में ये पाई जाती है। इसके अलावा तटों की ओर अगर आएंगे, तटीय मैदानों की ओर, यहाँ पे जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा जहाँ बनाती हैं, यहाँ इस क्षेत्र में भी ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा नर्मदा जो एस्चुरी का निर्माण करती है, इस रीजन में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में आप देखेंगे ह्यूमस, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमस की अगर बात करें, पहले भी हमने बताया था भारत की मिट्टियों में ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस तो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ही पाई जाती है। तो भारत की मिट्टियों की अगर बात करेंगे, तो आप ऑटोमेटिक सोच लीजिएगा उसमें ह्यूमस की कमी ही होती है, कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा बहुत अधिक है, और फास्फोरस की कमी पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर। ये जो जलोढ़ मिट्टी है, क्या आप जानते हैं ये कैसे आई है? तो ये नदियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट की गई है इस प्लेन वाले रीजन में। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है, ये और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय से आ रही हैं, अपने साथ जो पर्वतों के कण धीरे धीरे लाकर इस मैदानी क्षेत्र में बिछा दे रही हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी उसी का परिणाम है। तो कह सकते हैं जो एल्यूवियल सॉइल है, ये डिपोजिशनल सॉइल है, जो नदियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके इस मैदानी रीजन में लाई गई है। और इस जलोढ़ मिट्टी की खासियत ये है, जो इस मैदानी क्षेत्र में है, अगर आप वेस्ट से ईस्ट साइड में जाएंगे, तो सैंड पार्टिकल जो हैं वो कम होते जाते हैं, मतलब जो मोटे पार्टिकल हैं उनकी कमी होती जाती है जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट साइड में जाते हैं। और एल्यूवियल सॉइल की खासियत ये है, ये दो प्रकार की पाई जाती है, एक ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जिसे भांगर कहा जाता है, और एक न्यू एल्यूवियल सॉइल जिसे खादर कहा जाता है। समझने का प्रयास करें, जैसे ये नदियों के द्वारा मिट्टी लाई गई है, तो नदियाँ हर साल जब बाढ़ उनमें आती है, जिस रीजन तक ये पानी फैलता है, वहाँ की जो मिट्टी है
वो हर साल रिचार्ज हो जाती है, नई हो जाती है, तो वहाँ पर कौन सी एलुवियल सॉइल होगी? न्यू एलुवियल सॉइल होगी, नई जलोढ़ मिट्टी होगी, जिसे खादर कहा जाता है। और वो रीज़न जो नदियों से बहुत दूर का रीज़न है, जहाँ बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँच पाता, जो नदियों के द्वारा बहुत पहले डिपॉजिट कर दी गई है मिट्टी, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसे भांगर मिट्टी कहा जाता है। और इन दोनों ही प्रकार की मिट्टियों में कंकर पाए जाते हैं, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं ना, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों ही प्रकार की मिट्टियों में पाए जाते हैं, भांगर और खादर। देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये रीज़न आपने बहुत देखा होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश या नॉर्थ प्लेन के निवासी हैं तो ये रीज़न आपको बहुत ऐसा दिखाई देता होगा। तो ये इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हैं, जो ग्रंथियाँ कह सकते हैं ना, कंकड़ जैसी होती हैं, वो यहाँ बहुत पाई जाती हैं। एलुवियल सॉइल का कलर की अगर बात करें, लाइट ग्रे टू एश ग्रे इसका कलर होता है। और इस एलुवियल सॉइल में गेहूँ, मक्का, गन्ना, दालें, तिलहन, ये सब ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। तो ये थी जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद हम रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।